अस्सलाम वालेकुम बच्चों, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 पेज 53 पे यूनिट 6 द फ्लाइंग मशीन पार्ट 1 की हमने रीडिंग विद ट्रांसलेशन कर ली थी। अब हमने करनी है इसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वॉज समी, व्हाट वॉज समी ड्राइंग? समी वॉज ड्राइंग द डिज़ाइन ऑफ अ फ्लाइंग मशीन। डिस्क्राइब अंकल सलीम। अंकल सलीम को डिस्क्राइब किया गया है पेज 53 के थर्ड पैराग्राफ में। अंकल सलीम वॉज ओल्ड एंड फैट, ही हैड अ लॉन्ग मॉस्टेज एंड अ शाइनी बॉल्ड हेड। स्पेलिंग्स आप यूनिट में से देख लीजिएगा। व्हाट वर द लूप्स फॉर? द लूप्स वर टू बी यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ग्लाइडर। डायरेक्शन की स्पेलिंग है डी आई आर ई सी टी आई ओ एन। What materials and tools did Sami use to build his glider? Sami used bamboo, wood, newspaper, screws, string and bright blue color to build his glider. How long did it take to make the glider? The glider took 2 months to make. How could the pilot control the glider? The pilot could control the glider by means of the bar and loops of string. These questions are more difficult. Discuss them first. Why did Uncle Salim think Sami's machine would not fly? Uncle Salim thought that Sami's machine would not fly because it doesn't have an engine. Why was Uncle Salim not frightened? Uncle Salim knew that the glider would not fly. That is why he was not afraid at all. Would you have been frightened? Yes, I would have. Yes, I would have been frightened. अब ये हैं आपके, say whether the following are true और फॉल्स अबाउट द स्टोरी। ये फॉल्स एंड ट्रू आपने स्टोरी में से ये दिए हुए सेंटेंसेस, तो उसके मुताबिक आपने इनको बताना है। अंकल सलीम वॉज नॉट वेरी हैवी। फॉल्स, वो फैक्ट थे। समी यूज द गैरेज एज अ वर्कशॉप। ट्रू। समी डिडंट यूज एनी स्क्रूज। फॉल्स। Sami covered the wings with cloth. False. क्योंकि उसने sheets of newspaper से उसको cover किया था। Uncle Salim thought the glider wouldn't fly. True. अच्छा बच्चों, आपको मैं बताती हूँ कि ये जब हम reading करते हैं तो इस दौरान भी कुछ questions आते हैं। Was Sami confident about the glider's design that he had drawn? How can you tell? तो बास स्कूल्स में ये वाले क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, तो इसको भी आप सुन लें। समी सीम्स क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज डिज़ाइन। ही सेज टू अंकल सलीम दैट ही विल बिल्ड इट इन 2 months. चलिए अब हम करते हैं ये वाला। आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन टेकन फ्रॉम द स्टोरी। तो ये लाइन जो है, सेंटेंस ये लिया हुआ है स्टोरी में से और इसके मुताबिक ये क्वेश्चन किए गए हैं। एट द मोमेंट ही हर्ड अ नॉक एट द फ्रंट डोर एंड रैन टू सी हु इट वॉज। हु रैन टू द फ्रंट डोर? समी रैन टू द फ्रंट डोर। हु वॉज एट द फ्रंट डोर? अंकल सलीम वॉज एट द फ्रंट डोर। What happened? What had been finished at that moment? The drawing of Sami's flying machine's design was finished at that moment. What happened next? Sami showed the design of his flying machine to Uncle Salim. एक्सरसाइज बी, अ जनरल नेम्स फॉर बॉयज़ गर्ल्स एंड बेबीज इज चिल्ड्रन। ये जनरल नेम्स
जो हैं ये चिल्ड्रन ग्रुप से तलक रखते हैं। इसी तरह फाइंड जनरल नेम्स फॉर द फॉलोइंग, ये आपने बताना है कि ये किस ग्रुप से तलक रखते हैं। बीन्स, पीस, पोटैटोज, ये हैं वेजिटेबल्स। लिलीज, रोजेस, ऑर्चिड्स, फ्लावर्स। टाइगर्स, लॉयंस, डॉग्स, एनिमल्स। रॉबिन्स, ईगल्स, डव्स, बर्ड्स हैं ये। अर्जेंटीना, इटली, कैनेडा, दीज आर कंट्रीज। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले ये भी देखें आप, ये है एक चैलेंज क्वेश्चन होता है। प्लेस योरसेल्फ इन अंकल सलीम्स शूज, वुड यू हैव एनकरेज्ड समी और क्रिटिसाइज्ड हिम, व्हाई? अगर आप अंकल सलीम की जगह अपने आप को रखें तो क्या आप समी पे तनकीद करते हैं या उसकी हौसला अफजाई? उसके बारे में भी आप सोचें, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। आई वुड हैव एनकरेज्ड समी इफ़ अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू डू एक्सपेरिमेंट्स एंड मेक न्यू थिंग्स, ही और शी शुड बी एनकरेज। बट आई वुड ऑल्सो हैव एडवाइज्ड टू बी अ लिटल मोर केयरफुल अबाउट टेस्टिंग हिज इन्वेंशंस। ये है एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 2। राइट द वर्ड्स इन ईच लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये आपके एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। तो इनको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है और इसमें एक और नेम शामिल करना है। जैसे ये है बीन्स, पीस, पोटैटोज, तो इसमें हमने ऐड किया टोमेटोज और इसको तरतीब से लिखा है, पहले बी वाला फिर पी, पी में दो पी हैं तो इसको फिर नेक्स्ट लेटर को देखते हैं ई और ओ, उस तरतीब से हमने इसको लिखना है। फिर नेक्स्ट है बी, लिलीज, रोजेस, ऑर्चिड्स, तो इसमें लिलीज, जैस्मिन, ऑर्चिड्स, रोजेस, ये एक नया वर्ड ऐड कर दिया है। ये सी है टाइगर्स, लाइंस, डॉग्स, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, कैट्स इसमें ऐड करें, फिर डॉग्स, लाइंस, टाइगर्स। ये है रॉबिन्स, ईगल्स, डव्स, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है डव्स, ईगल, रॉबिन्स, स्पैरोज, और डी वाला है सॉरी ये लास्ट ई, अर्जेंटीना, इटली, कैनेडा। ये है अर्जेंटीना, कैनेडा, इटली और लास्ट में लिख लें आप पाकिस्तान या जो भी आप लिखना चाहें, लेकिन इसी तरतीब से लिखना है आपने ए बी सी को मद्देनज़र रखते हुए। अब आते हैं हम इस पे, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें आपने वर्ब जो डूइंग वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करना है। द गर्ल्स danced and the boys ran, इसमें danced और ran जो है वो verbs हैं। Our teacher smiled when the students sang, smiled, sang को underline करें। The elephants trumpeted loudly, इसमें आप trumpeted को underline कर लें। और इसका ये question number 2 है इस में, which word in exercise C1C above tells us how the elephants trumpeted, यानी उन्होंने इसके बारे में पूछा है कि एक्सरसाइज सी का ये जो सी है इसमें एलिफेंट की जो साउंड है ट्रम्प वो कैसे करता है, तो वो लाउडली। अब हम आते हैं इस पे, पेज 58 आपका क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें आपने एडवर्ब्स फाइंड करने हैं। द टीचर स्पोक क्रॉसली टू वन ऑफ द बॉयज, क्रॉसली, द बॉय स्पोक पोलाइटली टू द टीचर, पोलाइटली, द डॉग एट हिज डिनर क्विकली, क्विकली, द बॉयज मार्च्ड स्मार्टली, स्मार्टली। तो हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, और इन्हीं को आपने पढ़ के इनमें फिल करना है ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। यस्टरडे आई वॉज Nearly run over by a car. इसको go quickly to the shop and buy some rice. Quickly. My father lived happily until he was 90. My mother can sit comfortably in that chair. अब ये एक बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको ये मिसिंग लेटर्स हैं जो आपने फिल करने हैं नेक्स्ट पेज पे, तो ये आपकी पोइम बन जाएगी। ये होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेयर इज़ अ
लिमरिक. तो लिमरिक इज अ काइंड ऑफ ह्यूमरस वर्स ऑफ फाइव लाइन्स इन विच द फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन्स राइम विद ईच अदर एंड द थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स विच आर शॉर्टर फ्रॉम अ राइम्ड पेयर. ठीक है, तो इसको हम करते हैं. ये है, देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन अ ट्री हूज विस्कर्स वर लवली टू सी बट द बर्ड्स ऑफ द एयर प्लक्ड देम परफेक्टली बेयर टू मेक देमसेल्व्स नेस्ट्स ऑन दैट ट्री. इसको आप पोएम की सूरत में अपनी कॉपी में लिखें, प्यारा सा करके, अच्छी सी हैंड राइटिंग में. थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़.